प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर झारखंड, जहां गरीबी और भुखमरी के कारण कुपोषण एक अभिशाप बना हुआ है। स्वास्थ्य मंत्रालय के सर्वे के मुताबिक झारखंड में करीब 45% बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। वहीं प्रति 1000 में से 44 बच्चों की मौत कुपोषण से हो जाती है। झारखंड से कुपोषण समाप्त करने की दिशा में वेल्ट हंगर हिल्फे तथा जर्मन कॉपरेशन के सहयोग से अभिव्यक्ति फाउंडेशन, प्रवाह तथा सेंटर फॉर वर्ल्ड सॉलिडेरिटी जैसी स्वयंसेवी संस्थाओं ने एक मुहिम की शुरुआत की। ये प्रोजेक्ट जो है शुरू हुआ 2018 से और अभी तक हम लोग लगभग 75,000 पॉपुलेशन तक पहुंच चुके हैं अलग अलग तरीके से। प्रोजेक्ट का मेन उद्देश्य है कि आप अगर न्यूट्रिशन पे काम करते हैं तो आपको मल्टी सेक्टर अप्रोच में काम करना पड़ेगा। जब तक आप मल्टी सेक्टर अप्रोच में नहीं काम करेंगे तो न्यूट्रिशन आउटकम आपको मिलेगा नहीं। लगभग 6000 से ज़्यादा बच्चे होंगे जिनको कि हम लोगों ने कम्युनिटी मैनेजमेंट अप्रोच, जहाँ पर कम्युनिटी में ही आप कुपोषण को दूर कर सकते हैं, अगर थोड़ा सा आपने खान पान में और साफ सफाई में और खास करके पीने का पानी वो सब चीज में ध्यान दे। संस्था के कार्यकर्ताओं ने सहिया तथा आंगनबाड़ी सेविकाओं को इस अभियान में शामिल कर सबसे पहले कुपोषित बच्चों की पहचान की। 7 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों की स्वास्थ्य जांच कर वैसे बच्चों को चिन्हित किया गया। इन बच्चों की माताओं तथा उनके परिवार के साथ गांव में बैठकों का आयोजन कर उन्हें पोषण शिविर की जानकारी दी जाती है। उन लोग केवल सब्जी बनाते थे तो एक ही सब्जी खाते थे दिन भर में, तो अभी जब देखते हैं कभी कभी गृह भ्रमण करते हैं तो उसके द्वारा दिखाई देता है कि वो तिरंगा भोजन लेना शुरू कर दी है। साग भी रहता है, दाल भी रहता है, सब्जी भी रहता है और कुछ ऐसे में गांव में महिला सब भी है कि अपने से लगाना भी शुरू कर दी है। गांव में एक पखवाड़े तक आयोजित होने वाले पोषण शिविरों में कुपोषण दूर करने के तौर तरीकों के बारे में बताया जाता है। बच्चों को पौष्टिक आहार देने तथा भोजन में हरी साग सब्जियों को शामिल करने पर भी जोर दिया जाता है। स्वस्थ रहने के लिए साफ सफाई के तौर तरीकों से अवगत कराया जाता है। वहीं शुद्ध पेयजल के उपयोग की भी जानकारी दी जाती है। हम लोग कुल 40 गांव में काम करते हैं और 8 पंचायत को लेके काम कर रहे हैं। सोनाठड़ी प्रखंड में देवघर जिला है और कुल 2000 आसपास परिवार है जिनके साथ हम लोग इनिशिएटिव लिए हैं। हम लोग इस प्रोजेक्ट में ज़्यादातर न्यूट्रिशन को फोकस करके सारा काम करते हैं, जिसमें एग्रीकल्चर, वॉश एंड न्यूट्रिशन, तो तीनों चीज़ को हम लोग फोकस करते हैं एक ही फैमिली के ऊपर कि एक ही फैमिली को सारा जो बेनिफिट मिलता है वो पोषण केंद्रित हो। दीदी रा कैंप कर लो, कैंपर थी के भोजन दिल और वोटा खवाए 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 खन बड़ो कर ली बच्चा माने ये पिला आ लो। कैंप समाप्त होते ही मैं भी वही सब जो सब हम लोग को कैंप में सिखाया गया घर में भी स्टार्ट करने लगी। अपने बच्चे को जो इंटरेस्ट लगता था खाने में वही सब खाद्य पदार्थ खिलाने लगी और अभी मेरी बच्ची जो रेड में थी कुपोषित थी वो अभी येलो में है। गांव में समुदाय आधारित बैठकों का आयोजन कर कुपोषण दूर करने के लिए लोगों को जागरूक किया जाता है। इन बैठकों में कुपोषण दूर करने के लिए पोषण के महत्व को समझाया जाता है। वहीं साफ सफाई की आदत डालने पर जोर दिया जाता है। समेकित खेती के लिए भी लोगों को प्रेरित किया जाता है। इस कार्यक्रम में करीब 40 गांव, वहां के घाटसिया ब्लॉक के 5 पंचायत, बड़ा खुर्सी, बागुड़िया, जोड़ीसा, हेंदलजुड़ी
और कालचिटी पंचायत में हम लोग लगभग 3 साल पहले शुरुआत किए थे, और उसका असर ये है कि लगभग 712 बच्चे से इस 3 साल में हमने पाया कि 450 के आसपास बच्चे जो है फिर नॉर्मल श्रेणी में आ गए। 1000 दिनों का क्या महत्व है गर्भवती महिलाओं के लिए, ये वहाँ पर जब लोगों ने सीखा तो हमारे पास कई केसेस अब ऐसे आ रहे हैं कि वही महिला जिनके पहले बच्चे जिनको हमने स्क्रीनिंग किया था वो कुपोषित पाए गए थे, और 3 वर्षों के अंतराल जब वो दूसरी बार माँ गर्भवती बनी और बच्चों को जन्म दी तो वो बच्चा बिल्कुल ही सुरक्षित है। 1000 दिन के बारे में सीखें, 1 महीना गर्भ पेट में रहते हैं गर्भ होने के बाद, उसके बाद बच्चे 2 साल हो जाती है तब बच्चे को अच्छा से खान पान करते हैं, और अच्छा से खाने पीने के बाद शरीर मानसिक अच्छा होता है, दिमाग तेज होता है बच्चा को। पोषण वाटिका जैसे कार्यक्रम को इस अभियान का प्रमुख आधार बनाया गया। पोषण आधारित समेकित खेती की शुरुआत की गई। इसके लिए कम संसाधन में जैविक तरीके से खेती बाड़ी करने के लिए ग्रामीणों को प्रशिक्षण दिया गया। संस्था के सहयोग से बीज तथा अन्य संसाधन उपलब्ध कराया गया। ग्रामीण अब खुद केचुआ खाद तैयार करने लगे हैं। वहीं नर्सरी की स्थापना कर अपने खेत बाड़ी में सालों भर हरी साग सब्जियों का उत्पादन करने लगे हैं। बेंगाबाद और गांडे प्रखंड में कुल 40 गांव में कुपोषण उन्मूलन हेतु काम कर रहे हैं। अभी तक हम लोग कुल 1000 से ज़्यादा ऐसे बच्चे हैं जिनके साथ हम लोग स्नेह शिविर भी किए हैं, और इसके तहत उनका भोजन और पोषण सुरक्षा में उनसे सलाह देना के काम किए हैं। और अभी तक इन 40 गांवों में करीब 4000 से ज़्यादा पोषण बगीचे का निर्माण किए हैं। हम लोग को बीज मिला, हम लोग फिर खेती में अपना घर में खेती किए और शुद्ध गोबर से किए, उसमें खाद उद नहीं। और पहले हम लोग को सब्जी नहीं मिलता था, सप्ताह में हटिया से लाता था और एक बार लाता था तो हम लोग को 3-4 दिन खाना पड़ता था, और अब होता है हम लोग घर में शुद्ध देसी मतलब जैसे गोबर से हम लोग खेती करते हैं तो हम लोग हर रोज़ सब्जी खाते हैं। पहले प्रति था तो पहले नहीं लगाते थे, तो हम पुसोक बाग लगाए, तो बीज लगाए, धनिया पत्ता लगाए, मूली लगाए, गाजर लगाए, शलगम लगाए, तो ये सब हम लोग भी खाते हैं, बच्चा लोग भी खाते हैं। तो धीरे धीरे बच्चा को पहले लाल में था, अभी धीरे धीरे हरा में पीला में आ रहा है। समेकित खेती के तहत संस्था के सहयोग से गाय बकरी मुर्गी बत्तख तथा मछली पालन जैसे रोजगार शुरू किए गए। ग्रामीण इलाकों में यह धंधा रोजगार का जरिया बनता जा रहा है। मीटिंग में खेती के बारे में कुछ बताया गया, जैविक पदार्थ का दवा भी बनाया गया, और वहाँ मीटिंग में हम लोग को मुर्गी भी दिया गया था जिसमें कुछ पालन कर बच्चे को अंडे भी दे रहे हैं, और आज बच्चा भी मेरा स्वस्थ है, और खेती बाड़ी से हम लोग साग सब्जी उपजा रहे हैं और खा भी रहे हैं, कुछ होता है तो बेच भी रहे हैं। गांव की स्थिति का आकलन करने के लिए ग्रामीणों की भागीदारी से सामाजिक तथा संसाधन मानचित्र बनाए जाते हैं। फिर कुपोषित परिवार को ध्यान में रखकर योजनाएं तैयार की जाती हैं। इन योजनाओं को लागू कराने के लिए ग्राम सभा के सदस्यों को शामिल कर सरकारी अधिकारियों तक पहुंच बनाई जाती है। कुपोषण के खात्मे को लेकर शुरू किए गए इस अभियान का असर अब ग्रामीण इलाकों में दिखने लगा है। पोषण के महत्व और स्वास्थ्य को लेकर बढ़ी है उनकी समझदारी और बढ़े हैं उनके हौसले।